रहमान रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको कोई ऐसा तरीका ना बताऊं जिससे आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा हो। तो तजारत करनी है तो अल्लाह के साथ करें, जो इस रब का कायनात का मालिक है, जो हमारा भी मालिक है, जो बग़ैर मांगे इतना कुछ देता है। तो जब उसके साथ तजारत करेंगे तो वो कहता है मैं 1 से 700 गुना तक अजर देता हूँ। सच्ची तजारत करें, झूठ मत बोलें, गलत बातें ना करें, वो कहता है। लेकिन मेरे अल्लाह का तआरुफ मुझे और आपको कैसे पता चलेगा? उसने अपने नबियों के ज़रिए किताबें भेजी और हमारे लिए कुरान पाक भेजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। हमें ऐसी ज़बान में उसके पढ़ना चाहिए जो समझ आती हो। तर्जमे के साथ उसको पढ़ना शुरू करें और आपने बहुत ज़्यादा नफ़ा कमाएँ, बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएँ इस दुनिया में भी और आखरत में भी। तो हम अपनी प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। हम जो हैं वो तकसीम कर रहे हैं या डिवीजन यूजिंग नंबर लाइन, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। तो अभी आपके सामने ये प्रॉब्लम है, सना हैज़ 18 बिस्किट्स हैं। शी शेयर्स द बिस्किट इक्वली अमंग हर 3 फ्रेंड्स, वो 3 दोस्तों के दरमियान इनको बांटना चाहती है। तो हम देखेंगे कि 18 / 3 से हमारे पास क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे आप वीडियो रोकें, खुद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि 18 / 3 इज़ इक्वल टू 6, ईच फ्रेंड गेट 6 बिस्किट। तो हम नंबर लाइन पे देखते हैं कि हमने 18 से शुरू किया और हमने 3 नंबरों की 1 जंप बनाई, तो 18 से 0 तक पहुँचने के लिए हमें 6 जंप्स करनी पड़ेंगी, यानी 15, 12, 9, 6, 3 और 0। तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। अहमद हैज़ 12 मार्बल्स। आप भी मार्बल से खेलते हैं, कायदाजम को वैसे ये खेल पसंद नहीं था। ही पुट्स इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स इन 2 बॉक्सेस। तो 12 / 2, यहाँ पे रुक जाएं वीडियो को, खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि 12 / 2 का क्या आंसर आता है। तो हम देखते हैं 12 / 2 इज़ इक्वल टू 6, कि वो 2 बॉक्सेस में 6 मार्बल को डिवाइड करेगा। हम नंबर लाइन से करते हैं, हम 12 से शुरू करते हैं और हमें 2 नंबरों की 1 जंप बनानी है, तो हमें 0 तक पहुंचने के लिए 6 जंप्स लगानी पड़ेंगी। यानी हम बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं, स्किप काउंटिंग बाय टू। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अली हैज़ 15 एप्पल्स। अली के पास 15 सेब हैं और वो उनको 5 बॉक्सेस में करना चाहता है। तो इसका 15 / 5 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे रुक जाएं, अपना क्वेश्चन खुद सॉल्व करें, फिर इसका आंसर देखें। तो अली जो है 15 / 5 इज़ इक्वल टू 3, यानी वो 5 बॉक्सेस में 3 सेब डालेगा। तो देर आर 3 एप्पल्स इन ईच बॉक्स, हर बॉक्स में 3 एप्पल, एप्पल सेब को कहते हैं और बॉक्स डिपोए को कहते हैं। अब हम नंबर लाइन यूज़ करते हैं कि 15 से हमने शुरू किया और 5 डिवाइड कर रहे हैं, तो हम 5 की 1 जंप बनाएंगे। तो 15 से 10, 10 से 5 और 0 तक पहुंचने के लिए हमें 3 जंप्स करनी पड़ेंगी। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है कि मैंगोज़ हैं। मैंगोज़ आपको पता है, मैंगो आम को कहते हैं उर्दू में। अली हैज़ 20 मैंगोज़ और ही पुट्स इक्वल नंबर ऑफ मैंगोज़ इन 4 बॉक्सेस। तो यहाँ पे आप रुक जाएं, 20 / 4, खुद से इसका जवाब देखें, फिर रोकें, लिखें और फिर जवाब देखें। तो 20 / 4 इज़ इक्वल टू 5, देर आर 5 मैंगोज़ इन ईच बॉक्स, ईच बॉक्स में 5 आम हैं। अब हम इनको नंबर लाइन से यूज़ देख लेते हैं कि 20 से हमें 4 नंबरों की 1 जो है ना वो जंप करनी है। ये एक्चुअली है स्किप काउंटिंग बैकवर्ड बाय 4, तो हमारे पास 5 जंप्स आएंगी। तो 20 / 4 इज़ इक्वल टू 5। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ज़ारा हैज़ 10 पेंसिल्स, शी पुट्स इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल्स इन 5 बॉक्सेस। तो आप देखें कि 10 / 5, यहाँ पे वीडियो रोकें, पहले खुद से सॉल्व करें और फिर आगे हम चलते हैं। तो 10 / 5 इज़ इक्वल टू 2, वो 5 बॉक्सेस लेगी और हर एक में 2 पेंसिल्स डालेगी। तो अब हम देखते हैं कि 10 से हमने स्टार्ट किया, क्योंकि 5 है तो हमने 5 बैकवर्ड काउंट करना है, 5 की 1 जंप बनानी है। तो 0 तक पहुंचने में हमें 2 जंप्स बनानी पड़ेंगी, कि 10 से 5 और 5 से 0, 2 जंप्स बनती हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हारिस हैज़ 30 स्वीट्स। हारिस के पास 30 स्वीट्स हैं और वो इनको 3 बॉक्सेस में डालना चाहता है, तो हर बॉक्स में कितनी स्वीट्स डालेगा? यहाँ पे आप वीडियो रोकें, पहले खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर आगे चलें। तो 30 इज़ डिवाइडेड बाय 3,
तो 30 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 10, ईच बॉक्स में वो 10 स्वीट्स डालेगा। अब हम नंबर लाइन से देख लेते हैं कि हमने 30 से स्टार्ट किया और हमने स्किप काउंटिंग करनी है बैकवर्ड, तीन नंबरों की एक जंप है, तो 30 से 0 तक हमें 10 जंप्स करनी पड़ेंगी, 30 through 27, 24, 21, 18, इस तरह आप तीन पीछे जाते जाएं तो आपकी ये सारी जंप्स जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए।